बन जाओगे आप भी नानी, संदीप जी की मम्मी भी दादी बन जाएंगी, अभी टाइम है। फेंक दो आज की सही का तुम। नहीं, अब 2-3 साल बाद कामनी को भी ब्याह देते हैं। कितना सो गए, उठो उठो बीबू, जुखाम हो रखा है, टोपी इधर साइड में रख रखी है, पहनो इसको। साली साहिबा आपके लिए ग्रीन टी लेकर आई है। एक साली तो काम की है मेरी, है ना कामनी, तभी तो उसका नाम कामिनी है, क्योंकि इसके पास काम ही काम है। सो रहा था ना मैं, सिद्धार्थ पर सोचा था कि कामिनी ने जब ये गुब्बारे, हाँ ये दुनगुने से है, जब हम पिछले बार आए थे तब से है यार ये। तो ऐसी कौन सी हवा भर दी इसके अंदर कि ये ना फुस हो रहे, ना फूट रहे, ना गिर रहे। मैंने अपनी मुखिया तभी ब्रश करके भरा था बिना ब्रश के। अच्छा ये भरा था, बिना ब्रश करे भरती तो फट नहीं जाता बच्चा, वो देखो आधे फट जाता है तो गुब्बारे क्या चीज है। जमाई जी सोए हो? हाँ बस अभी चाय पी रही थी, ग्रीन टी। अच्छा ठीक हुआ, मैं तो खुश हो रही हूँ। अच्छा आज खुश है हूँ मैं तो। खली पिली लगने का नहीं, दिल जागी क्या मश पे भागने का नहीं। देख मैं हर टाइम कवर चेंज करती रहती हूँ। कैसे? ये नए नए स्टिकर्स हैं। और बाकी पुराने स्टिकर्स कहाँ फेंकती है? मैं इसमें लगा देती हूँ, कभी पिंक थीम कभी कुछ और। बहुत सुंदर लग रहा है यार, हॉलीडेज है तो हॉलीडेज। मिस्टर DIY से खरीदा था ना हल्दोनी के। अच्छा सही लग रहा है, ये लगा दिया। अभी मैं जा रही हूँ मार्केट क्योंकि मुझे आज लेना है अपने लिए नेकलेस, और संदीप जी मेरे साथ आ रहे हैं। मेरा थोड़ा थोड़ा जुकाम सही हो गया। यहाँ पे अगर ऐसे ही बादल लगे रहे ना 5 दिन और हवा चली ऐसे ठंडी ठंडी, तो अगले 5 दिन में बारिश आ जाएगी, उसके अगले 5 दिन में बर्फ। बर्फ? हाँ मजा तो आता होगा बर्फ में, बहुत सुंदर बर्फ पड़ती है यहाँ पे। सांस फूल जा रही है क्योंकि जुकाम हो रहा है, जुकाम में होता है, जुकाम में थोड़ा सा भी काम कर रहा था, सांस फूल जा रही है। ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है चलो भाई, मैं अपने लिए नेकलेस ले आई हूँ। ठीक है अभी वीडियो बना लेंगे। मैं कैसा लग रहा है ना, जुकाम में आलस से बन जाते, कल में मैं जाना है गुड़गांव। हाँ यार जाना है। और आपने मेडिसिन के लिए मना किया तो मैं मेडिसिन भी नहीं लाई। ऊपर से दुनिया वाले पैकिंग करते हैं ना, जब आगे देखो आगे 4-5 टी शर्ट रखते हैं, जैकेट रखते हैं। मैंने क्या पैकिंग की है, 3 जैकेट और 3 रखे मैंने जीन्स, और टी शर्ट 1 भी नहीं रख रखी है उसके अंदर कुछ नहीं। अरे हाँ गाड़ी टर्न करो, आपकी वो ले लेते हैं स्वेट शर्ट। चलो आओ दादा, कोई बात नहीं, अब कल वहीं से लूंगा ना गुड़गांव से। सही मिलता है यहाँ, कोई बात नहीं, पापा को पहन लेना फिर, कल गुड़गांव से ले लूंगा। पापा का और इनका साइज एकदम सेम है, पता नहीं ये भी चौड़े चौड़े से हैं, वाइड है, मेरे पापा भी वाइड हैं तो उनके कपड़े इनको फिट आ रहे हैं। आप सोचो मैं इस बार तो पतला हो ही जाऊँ यार, बहुत हो गया। नहीं आप ऐसे भी क्यूट लगते हो, मैंने बोला वाइड हो, वाइड होना मतलब कद। हाँ हाँ बहुत अच्छा होना, बस पेट नहीं है अच्छा, बस पेट कम कर लो, बाकी सब अच्छा है। देखो एक तो ट्रैवल करना पड़ता है ठीक है, इस वजह से भी रेगुलर जिम ही नहीं जा पाता हूँ, तो कोई बात नहीं, खाना पीना भी बाहर का ही होता है ना। कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, अब मैं सोचो कुछ ऐसी डाइट जो मैं बाहर भी खाऊं तो डाइट से नहीं फर्क पड़ता, थोड़ी एक्टिविटी कर लिया करो, इधर डांस कर लिया करो, या डांस कर लिया करो या मॉर्निंग वॉक कर लिया करो, डाइट से ही पड़ता है ना असली चीज। अगर डाइट मेरी ऐसी कुछ हो जाए कोई लिख के दे देना, डाइट से नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताओ। देख ओरिजिनल और डुप्लीकेट देखा, यह है ओरिजिनल ठीक है, इसका देखिए ये भी ओरिजिनल है और ये है डुप्लीकेट, सेम होगा देख, बिल्कुल सेम देख, दोनों में क्या अंतर है, ये अंतर पहनने वाले को पता चलेगा। यार वो ग्लास का अंतर साफ साफ नजर आ रहा है, ग्लास का था देखिए, ये देखिए ग्लास है, इसका टच है, ये देखिए यहाँ पर RV लिख रखा है, यहाँ पे भी देख RV, लेकिन इसका लिखावट एकदम क्लियर है, पतले से में भी ओरिजिनल रेबन देखिए, रेबन और ये देखिए इसका देखिए मिटना वाला जैसा हो रहा है। और सबसे मेन चीज बताते हैं इसको कौन पहनता है, परसों शाहरुख खान ने भी तो पहना था अपनी मूवी में, ये शाहरुख खान जो भी डंकी मूवी में पहना था, जिसमें शाहरुख खान ना जो भी मूवी हुई की जिसमें हीरो अगर आर्मी वाला होगा तो फिर उसमें रेबन ही पहनेगा, एविएटर वाले में नंबर 1 ठहरा है। देखिए अब टॉम क्रूज देख, ये देखिए टॉम क्रूज है, ये जूम किया देख, रेबन वही ना तुम्हारे जैसा, हाँ अब शाहरुख खान सर से करो रखा, ये देखिए है ना, ये सर चेन्नई एक्सप्रेस का देखिए रेबन लिखा देखिए यहाँ पे साइड में, ये देख शाहरुख खान की फोटो है, देख रेबन देख लिखा है। इसीलिए क्लास क्लास होती है, ब्रांड ब्रांड होता है, कंफर्ट पहनने में कंफर्ट आता है। सबसे मेन क्या होता है ना इसमें लेंस का होता है रे, क्योंकि इसके लेंस में और उसके लेंस में अंतर भी, तो ये यूवी प्रोटेक्शन भी तो देता है, वो नहीं देगा नॉर्मल सा, हाँ, वो सेंसर यूवी प्रोटेक्शन जो वो 100-150 रुपए का वो क्या देगा बता। मम्मी कह रही है उनके लिए कमेंट आया है, मम्मी आप ही बता दो किसका, वाओ कितनी सुंदर लग रही हो। पता नहीं किसी ने कमेंट कर रखा था कि आपकी मम्मी को देख के लगता नहीं है कि इतने बड़े बड़े बच्चे होंगे, तो वो बात तो सही है, इतना क्यूट सा स्कार्फ पहनोगी, इतनी क्यूट से आपकी स्किन होगी, तो कौन नहीं कहेगा, देखो दोस्तों नजर न लग जाए। ना ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती है, इनको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में BSc फर्स्ट ईयर का एडमिशन। BSc कहाँ करूंगी, इंटर तो मैंने हिंदी मीडियम से कर रखा है। लोग कहेंगे इतनी छोटी बच्ची को फर्स्ट ईयर में क्यों डाल दो, सच
बच्चे मम्मी आप बहुत सुंदर हो आपसे मम्मी से सब बोलते हैं, इवन मेरे ससुराल में भी सब बोलते हैं कि इनकी मम्मी बहुत सुंदर है। मम्मी ऐसी कैसे आपकी उम्र में मुझे भी इतने सुंदर होना है, कुछ टिप्स बता दो। पति की सेवा करो सबसे बड़ा टिप्स, कोई टिप्स अपने पति की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, पति की सेवा करो। पति की सेवा तो मैं करती हूँ, खुश रहो हमेशा, इंजॉय करो। वो सब तो झूठ की बातें हैं, सच बताओ आपकी टिप्स क्या। सच ही कह रही हूँ, थोड़ा गर्म पानी पियो और उसके बाद थोड़ा हल्की फुल्की एक्सरसाइज योगा, और उसके बाद जितना हो सके बैठो मत, मतलब चलो काम करो, चलते रहो, खुश रहो। मतलब टेंशन में रहोगे तो फिर नहीं हो पाता ना। अच्छा, वैसे टेंशन लेने वाला इंसान ही बोल रहा है कि टेंशन में मत रहो। सबसे बड़ा ये है खुश रहो। हाँ। आज मेरे को देख के कौन कहेगा बता, मैं 45 साल का हूँ। मम्मी बताओ ना टिप्स, सच्ची टिप्स बताओ। आप तो सच में टेंशन लेती हो, आप इतनी सुंदर कैसे हो। देखो टेंशन तो हर किसी को होती है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि टेंशन जिंदगी से चले जाए। क्या टिप्स हैं आपकी? बस वही गर्म पानी पीती हूँ सुबह, थोड़ी देर योगा करती हूँ, अनुलोम विलोम कपाल भाती और थोड़ी हल्की अनुलोम विलोम अटक गई। टेंशन लेने का जैसे कौन कहेगा मेरी बुआ है। अरे लोग आए थे घास काटने के लिए, मैं से कह रही है कि मिठाई खिलाओ, तुम्हारे दामाद और बेटी आए हैं। फिर मैंने उनको मिठाई दी। हाँ। बोल रहे हैं अगले साल तुम्हारा नाती हो जाएगा। अरे यार मम्मी अभी नहीं, मैंने कहा एक दो साल उसके बाद होगा। अभी तो मम्मी यार मम्मी ऐसी बातें कर देती हो यार। ऐसे ही कह रहे हैं सब लोग आजकल, अगले साल नाती हो जाएगा। संदीप जी देखिए क्या सुनने में आ रहा है, क्यों और क्या आएगा फिर देखना इसको देखना। बन जाओगे आप भी नानी, संदीप जी की मम्मी भी दादी बन जाएंगी, अभी टाइम है। वाओ दादी कितनी क्यूट लग रहे हो आप चश्मे में। क्यूट लग रही हूँ बहुत ज्यादा। मेघू का चश्मा है 10,000 का। नहीं नहीं संदीप जी का है। मेरा नहीं है, मेरा 7,500 का, इसका है 10,000 का। ये 10,000 का, ये देखो। मैं गई ना जहाँ ये चश्मा बनाने, ऐसा ही चश्मा पहन के फोटो में लड़कियाँ देखी ना। मैं क्या कहने वाली सारी, काली चश्मा ये औरत क्यों पहनती होगी, कहने वाली। कैसे दिख रही हूँ मैं आपको फिर दादी इस चश्मे में? अच्छी, क्या बताऊँ, आपसे ज्यादा सुंदर तो नहीं दिख रही हूँ मैं, तो कुछ कह ही नहीं सकती हूँ, बस हो गया। आपसे ज्यादा सुंदर नहीं लग रही हूँ। आप कितनी सुंदर हो, अपने आप को ऐसे क्यों समझती हो, कम क्यों समझते हो किसी से? आप बहुत सुंदर हो। कहाँ बच्ची, तो परसों की बच्ची, कहाँ मैं 70 साल की। अरे तो अपनी अपनी जगह, आप अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। भाला लेके चल रही है? हाँ। बाकी डर से चला जा फिर। की है वो? नहीं नहीं 300 रुपए का है ये भाला, पापा ने अपने लिए बनवा रखा है, कहीं जाऊंगा तो मैं ले जाऊंगा। गुस्सा करेंगे, खो जाएगा तो खोना मत, खोने नहीं जाओ, सेफ्टी के लिए है, लेकिन खोना मत। खोएंगे नहीं, खोएंगे नहीं, खोना मत। और बाकी आप अपनी सुंदरता की टिप्स बताते रहना, मुझे भी बताते रहना। कहीं कुछ दिनों में मैं आपके सामने बुड्ढे दिखूंगी, आप मुझसे ज्यादा सुंदर दिखने वाली हो। ऐसे आप बहुत सुंदर हो, दादी भी बहुत क्यूट। चलो ठीक है दादी, मैं जाती हूँ। तो हम लोग आ गए हैं अभी पिज्जा खाने, ये संदीप जी आ गए, बड़ी मुश्किल से इनका वेट कर रही थी मैं। और ये है लगाने गया था ना, पार्किंग नहीं मिलती थी। ये पिज्जा आ गया है। थैंक यू माय लव। मुझसे ज्यादा एक्साइटेड है कामनू खाने के लिए। जरा थोड़ी बहुत वीडियोस बना लेते हैं, लोग फूड लवर वीडियोस बहुत पसंद करते हैं। जब मैं संदीप जी से पहली बार बात करी थी ना, तो मैंने इनको बोला था कि संदीप जी एक एक्टर है सुमेध, वो बहुत सुंदर लगते हैं मुझे, तो उनके घुंघराले बाल हैं। आप भी कैसे दिखते हैं? आप भी वैसे दिखते हो, बहुत क्यूट लगते हो आप तो। दुनिया में वैसे सबसे ज़्यादा क्यूट हो आप, इसमें कोई शक नहीं है, मगर मैंने आपको बोला था घुंघराले बाल, घुंघराले बाल मत कटवाना। इन्होंने क्या किया, एक महीने बाद घुंघराले बाल कटवा दिए। उसके सजेशन पे ग्रूम करवाएगी आपको, अच्छा वाला ठीक है काम। वो कोरियन बना देगी आपको। कोरियन नहीं बनना, लेकिन कोरियन नहीं बनोगे आप, अच्छे लगे। वो बिल्कुल BTS की फैन है तो वो ऐसे बना देगी। और वैसे आप यंग दिखोगे, और ज्यादा यंग दिखो, वैसे तो दिखते ही यंग और ज्यादा के नहीं, और मतलब बच्चे लगोगे 18 साल के, 18 साल के बच्चे बनाने वाली है। मेरी दीदी मेरे सामने आंटी लगेगी, वो देख तो सोचो ना कंपैरिजन। बहुत अच्छे, मैं आपकी तारीफ करती हूँ, क्यूट है, सुपर क्यूट है। और आप बोलो, यही बोलो तो 13 साल। बस बस कहने के बाद क्या तारीफ करनी है ना कामनू। इस डॉगी बेचारे को भूख लगी, कामनू जल्दी से ब्रेकफास्ट कर यार। ये ब्रेड ना हमेशा रखे रहने चाहिए। हाँ। गाड़ी में कोई भी कुछ, जैसे आप कल कह रहे थे ना कि इंसानों से अच्छा जानवरों को खिला दो। हाँ। मैं कहते रहे आपसे मेरे पास है करके, तुम खिलाओ इनको। हाँ। मैं सामान ले आता हूँ, क्योंकि कल सुबह हमें जल्दी निकलना है ना। हाँ, हाँ, ठीक। तो जो भी काटेंगे तो नहीं ना? नहीं 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 काटेंगे। आज इतना ठंडा हो रहा है ना, ये मेरी दिन की 10वीं चाय है, 10वीं, एक यही सहारा। और मेघा हो चुकी है रेडी। क्या कह रही हो? ये ब्लैक एंड इंजीनियर ये शादी के टाइम करी थी।
कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। अब कल जा रही हूँ फिर मैं। अब हमको बुरा लगेगा, हमको बुरा लगेगा। जल्दी आऊंगी। फिर दोनों आ जाना ही तो। हाँ, दोनों आएंगे। एक महीना रहोगे? एक महीना रहेंगे। हाँ ठीक है, एक महीना रहोगे, बस थोड़ी दिन रही यहाँ। खुदा लग रहा है अब। ओहो दादी, जल्दी आऊंगी। क्या करे, काम के लिए जाना ही पड़ता है ना। हाँ, दुखी मत हो। दुखी मत हो करके अम्मा को और दुखी करिए। नहीं नहीं, जल्दी आऊंगी। अब दो तीन साल बाद कामनी को भी ब्याह देते हैं। दादा नहीं। तो कितना पड़ती? 10वां पड़ती है ना। अभी तो 12 हो जाएगा, 18 साल हो जाएंगे। इसके लिए अभी से रिश्ता ढूंढने लग जाता है। क्यों ढूंढने लग जाता है? आप कर लेती नहीं तो 18 में ही। मेरे को तो मिली ही नहीं ना। मेरे को कौन सा मिला? तो तेरे लिए मैं ढूंढ दूंगा। इसके लिए ढूंढ देंगे ना अभी से। शादी करो, फिर दुखी होती है, उदास लगता है। अब एक दिन तो जाना ही ठहरा ना, एक दिन तो शादी होनी ही है। अभी से ढूंढना पड़ेगा, तब जाके बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अब अपने पास है भी तो प्रोडक्ट ऐसा। क्यों इतनी अच्छी है? क्या कभी मेरी बहन ने एडमिशन करवाया? कॉलेज में बात कर रही हूं मैं आपसे। अच्छी बहन है मेरी, लाखों करोड़ों में एक है वो। ये वैसे मम्मी की साड़ी है। मम्मी की है, एंगेजमेंट में पहनी थी मम्मी ने ये। अरे बहुत अच्छी है। अच्छी लगी? मैं ऐसे करके आ रही हूँ। अभी देखना, हम लोग हम वीडियो बना रहे हैं कि ये मैं गिरूंगी, मुझे उठाएंगे और चल चल एक बार ट्राई करते। ये उठ भी तो नहीं रही। ऐसे कौन उठाता है? उठ ही नहीं रही। तुमने लगता है कुछ ज्यादा खा लिया। क्यों शादी में उतना बड़ा लहंगा पहन के शादी हो गई है ना बेबू? अब नहीं, शादी के बाद ना खूब खाने लग गई है। तो जाए बजरंग बली तोड़ दे दुश्मनों की नली। मेरा काम ना कितनी नाटक की नाटक है। थैंक यू, आज किस तरीके से नहीं। वीडियो में एक्टिंग कराने के लिए लाए थे, देखो कितना काट दिया इसने संदीप जी को। इसको बहुत ही ज्यादा पटाना पड़ रहा है। क्या लगा दिया आंखों में? अरे कामनी ने लगा रखा है। कामनी क्या है? कामनी क्या है? आई पैचेस। इससे क्या होता है? मैक्स क्या लगा दिया? क्या लगा दिया चीजों ने अपनी आंखों में? देखा क्यों फूफा जी? क्यों करण का बच्चा हुआ ना? करण का बच्चा हुआ था मेरा। तो मतलब मैं बुआ? कामनी छोटी बुआ। दादी को दिखा। दादी थोड़ी देर पहले इस खूबसूरती की तारीफ हो रही थी, अब दादी हो गई। मिक्सी की दादी। ये बहुत जिद्दी भदे है। मैंने आपको बताया था नहीं, पापा की बहनी है संदीप जी ने। ये देखो ये मम्मी क्या बता रही हैं। 30-32 साल पुरानी स्वेटर है वो। बाप रे, 30 साल की नहीं, इमेजिन 30 साल पुरानी स्वेटर है। जब मैंने धरती पर जन्म नहीं लिया था तब ये जैकेट ने हाँ यार बाजारों में बिक रही थी, क्योंकि वो पहनी जब आप पैदा भी नहीं हुए थे ना यार। रखी हुई रखी ना अलमारी में। रख रखी है और एकदम नई नवेली। मैंने तो सोचा एक दो साल पहले ली होगी। यार क्या स्टफ होगा इसका, ऐसा जो 30 साल पहले की है ना। 30 क्या, ज्यादा ही होंगे, 35 तक होंगे। जब तेरी दादी लोगों का नया घर बना था यहाँ तब उस टाइम तेरे पापा देहरादून में थे। और आपने ये बात मुझे अभी बताई है। यू आर वेरी लक्की, 30 साल पुराना यू नो। दोस्तों कल हमें जाना है गुड़गांव और मेरी पैकिंग आधी हो गई है, अब थोड़ी सी बची हुई है। एक ये डब्बा रखना है, वो चूड़ियां तो मैं सुबह पहन के जाऊंगी। और ये है मेरा परफ्यूम, उसको भी रखना है मैंने। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।